और 1973 में ये जो है ब्रांच ओपन हुई है, और लोग हैं जो कि पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जैसे सर हैं हमारे, और सबसे पुराने ग्राहक हो, बहुत तो नए जुड़े हैं, एक हमारे शिशिर जी है, बहुत पुराने जो है कस्टमर है हमारे, शायद वो बचपन से आते हैं और हमारे पास अपना बनारसी में स्वागत करता हूँ, क्योंकि रखा जाता है ताकि साल में एक बार कम से कम उस सदर्न ब्रांच, सदर्न इंडिया की, साउथ इंडिया की एक प्रमुख बैंक है, उसका यहाँ पर आके अपना पहचान बनाना और इतना अच्छा सर्विस देना, बोलूंगी जरूर जैसे पीयूष जी ने शुरू किया था। और ये ब्रांच इतनी पुरानी है और पीयूष जी को चुनने में जो हमारे रीजन के शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठे हमारे आरएम सर, जो कि पूरे क्षेत्र में हमारा 35 ब्रांचेस है, पिछले 2 साल में जो ग्रोथ दिखाया है पीयूष जी ने। जी अपना परिचय बताइएगा। जी मैं आनंद कुमार गुप्ता मुगलसराय से बिलोंग करता हूँ। आज इंडियन ओवरसीज बैंक की 52वीं वर्षगांठ पे क्या कहेंगे, क्या व्यवहार है यहाँ के बैंक कर्मचारियों का, अधिकारियों का? देखिए इंडियन ओवरसीज की जो लोहराबी ब्रांच है वो काबिले तारीफ ब्रांच है, और इस बैंक के सहयोग से मैं खुद एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ वाराणसी बेवरेज के नाम से। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी फैक्ट्री यूनिट लगाई जा रही है, जिसमें माननीय पीयूष सर का बड़ा योगदान है, जो उन्होंने विश्वास करके एक मौका दिया और हमारी इस कंपनी को शुरू करने के लिए उन्होंने लगभग 35 लाख रुपए का एक सहयोग राशि भी अपने बैंक से उपलब्ध कराया, और ये यूनिट हमारी बहुत तेज़ी से कार्य इस पर प्रगति पर चल रहा है, और मुझे लगता है कि दिसंबर से ये यूनिट हमारी शुरू हो जाएगी और मार्च तक मुझे लगता है कि मेरा एक अपना ब्रांड जो है वो वी ट्रीट के नाम से पानी की बोतल बनाएगी, 200 ml, 500 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, और मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक मैं बिस्लरी, किनले, एक्वाफीना को टक्कर देने लायक हो जाऊँगा।